हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो हम सीखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर जो हमारा सेक्शन होगा 151 ओके okay? सो so, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 151 ऑफ़ द एक्ट कोई भी लिस्टेड कंपनी के पास एक ऐसा डायरेक्टर हो सकता है जो इलेक्ट किया गया हो कहाँ से बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड पे लगा सकते हैं ओके एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर इससे क्या होगा कंपनी के जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको एक तरह का बेनिफिट हो जाएगा कि वो उनको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम रखनी है तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव को रख सकता है तो वो जाके बोर्ड मीटिंग में उस उनको रिप्रेजेंट कर सकता है ओके स्मॉल शेयर होल्डर्स को सो दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस सेक्शन इससे क्या होगा कंपनी के जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर देगा वो कहाँ पे बोर्ड मीटिंग में ओके नाउ स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब क्या अब हम ये समझते हैं द टर्म स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ऐसा शेयर होल्डर जो होल्ड करके रखा है कंपनी का शेयर नॉट मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड नॉमिनल वैल्यू ओके यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में ट्वेंटी थाउजेंड या उससे कम की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स को होल्ड करके कर रखता हूँ देन आई एम स्मॉल शेयर होल्डर ओके अब हम डिस्कस करते हैं मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर पूरा प्रोसीजर सीखेंगे और इसमें रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा सेवन ऑफ कंपनीज ओके सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर ओके यानी उनकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए ना कुछ ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकेला कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर हूँ देन मैं थोड़ी अपॉइंट कर सकता हूँ एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैं थोड़ी अपॉइंट कर सकता हूँ अकेले ओके सो दिस इज द यू कैन अंडरस्टैंड लॉजिक ओके तो इसमें क्या है हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए जिसके बाद ही हम कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं कि हमें अपना एक अलग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ओके सो अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन वन थाउजेंड शेयर होल्डर्स ओके वो भी कौन से स्मॉल यानी कौन कौन से शेयर होल्डर्स वन थाउजेंड जिन्होंने नॉट मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड करके रखें ओके यानी ट्वेंटी थाउजेंड या उससे कम के शेयर share, शेयर्स अगर उन्होंने होल्ड करके रखें देन वो सारे मिला के वन थाउजेंड शेयर होल्डर्स होने चाहिए ओके यानी मैंने जो मेरा एग्जाम्पल दिया था तो मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होने चाहिए कुल मिला के वन थाउजेंड ओके देन सेकेंड पॉइंट है वन टेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स यानी कंपनी में जो भी टोटल नंबर ऑफ़ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो उनमें से वन टेंथ ओके हैव शेयर होल्डर्स डायरेक्टेड डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स ओके तो हम क्या कर सकते हैं एक तो वैल्यू आ गई कितनी वन थाउजेंड शेयर होल्डर्स ओके सेकेंड वन टेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर ओके विच एवर इज लोअर वो हो जाएगा हमारा मिनिमम क्राइटेरिया उसके बाद ही वो शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं ओके हाउ एवर लिस्टेड कंपनी मे ऑप टू हैव डायरेक्टर ऑन सो मोटो सो मोटो का मतलब क्या होता है मतलब अपने आप ही ओके कंपनी अगर चाहे तो अपने आप भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकती है टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स ओके ना एंड इन सच केस प्रोविजन गिवन बेलो इन पॉइंट सेकेंड नॉट अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर यानी उस केस में अगर कंपनी सियो मोटो से रिप्रजेंट सॉरी सियो मोटो से रखती है स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर देन ये सेकंड पॉइंट अप्लाई नहीं होगा सेकेंड पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे ये ओके सो सेकेंड पॉइंट इज सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स यानी स्मॉल शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा ना कंपनी को तो वो कैसे भेजेंगे उसका थोड़ा प्रोसीजर लिखा हुआ है सो स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंडेड इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल गिव अ नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कितना एटलीस्ट फोरटीन डेज बिफोर द मीटिंग ओके एटलीस्ट फोटीन डेज बिफोर द मीटिंग उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ स्मॉल शेयल्डर डायरेक्टर रखना चाह रहे हैं इन द बोर्ड ओके अंडर सिग्नेचर स्पेसिफाइंग द नेम एड्रेस शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर ओके इसका क्या मतलब है जो भी पर्सन को हम प्रपोज कर रहे हैं एज अ स्मॉल शेयल्डर डायरेक्टर तो उसका नाम उसका एड्रेस उसने कौन कौन मतलब उसने शेयर्स ले रखे हैं कंपनी के या नहीं ले रखे हैं उसका फोलियो नंबर यानी पोर्टफोलियो नंबर ऑफ द पर्सन हुज नेम इज़ प्रपोज टू बी प्रपोज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ओके एंड ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर यानी उस स्मॉल शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनके भी नेम्स वगैरह चाहिए ओके okay? However, if इफ द पर्सन proposed not नॉट हेल्ड एनी in इन द कंपनी यानी उस जो भी पर्स, पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट किया जा रहा है बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स उसके पास अगर कंपनी का शेयर नहीं है देन डिटेल्स ऑफ शेयर्स या फोलियो नंबर चाहिए नहीं ओके यानी नोटिस के साथ अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस केस में ओके okay? अगर उसने कोई भी कंपनी का शेयर हेल्ड करके नहीं रखा है <coughs> no. स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ट विद नोटिस अब नोटिस जो है उसके साथ एक स्टेटमेंट होना चाहिए साइन किया हुआ कौन साइन करेगा जो भी पर्सन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो उसमें क्या लिखा हुआ होगा उसका डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और ये हमें पता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी ऐसा कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 152 फिफ्टी टू ओके उसमें रिक्वायरमेंट में दे रखा था कि कोई भी पर्सन अगर उसके पास डिन नहीं है देन ही कैन ही कांट अपॉइंट इन द कंपनी एज अ डायरेक्टर तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी तो उसको ये पूरा नोटिस में लिखना पड़ेगा कि उसका डिन क्या है और एक और उसको लिखना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट डिस्कालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट यानी वो डिस्कवालीफाइड नहीं है अंडर द एक्ट डिसकॉलीफिकेशन कहाँ कहाँ दे रखी है सेक्शन 164 में डिसक्वालीफिकेशन दे रखी है ओके सी पॉइंट हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो यानी वो अपनी कंसेंट देगा कि हाँ मैं अपनी एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप अपॉइंट हो रहा हूँ और होना चाहता भी हूँ ओके okay? तो दिस इज़ मतलब कंसेंट हम नहीं देते हैं किसी को कि हाँ मेरी मर्जी है कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ ओके okay? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके स्वस्ट डायरेक्टर शैल भी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी स्माल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया मैंने बताया नहीं अभी तक तो वो आने वाली वीडियोज़ में आप समझ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है तो अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं देन उसको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यानी उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी का ही कैन मतलब उसके बाद ही आप दे सकते हैं ना डिसीजन कंपनी को इंडिपेंडेंटली ओके okay? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम क्या होता है वो एकदम मतलब बिना किसी के दबाव में या इन्फ्लुएंस के काम करता है कंपनी में ओके okay? यानी उसका कोई रिलेशन नहीं होता कंपनी में किसी से भी ओके सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा अभी तक बताया नहीं मैंने सो so, ही शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परटेनिंग टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कौन से सेक्शन में दे रखा है सेक्शन वन फोर्टी नाइन सिक्स एंड ही शुड गिव अ डेक्लरेशन ऑफ इज इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन वन फोटी नाइन सबसेक्शन सेवन यानी उसको एक पहली बात इसमें क्या कहा है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको मीट करना पड़ेगा और उसको साथ ही साथ एक डेक्लरेशन देना पड़ेगा ऑफिस इंडिपेंडेंस यानी वो इंडिपेंडेंट है और उसने कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मतलब ब्रेक नहीं किया है तो इस सबका उनको डिक्लरेशन देना पड़ेगा कंपनी को ओके नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 152 ओके एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152 तो द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल होल्डर डायरेक्टर शेल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन एक्सेप्ट डैट यानी जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो सेम एज़ अ वो जो भी डायरेक्टर 152 में अपॉइंट होते थे नॉर्मल डायरेक्टर्स सेम वैसे ही प्रोसीजर्स होंगे बट ये जो डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं जो स्मॉल शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल नहीं होगा ओके रिटायरमेंट बाय रोटेशन मैंने बड़ा पढ़ा, पता पढ़ाया था आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल नहीं होता नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता तो अब एक और ऐड हो गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन लाइबल नहीं होता ओके बी सर्च डायरेक्टर्स टेन्योर एज स्मॉल होल्डर्स डायरेक्टर्स शेल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ थ्री कंसिक्यूटिव ईयर्स यानी इसका टेन्योर कितना होता है थ्री कंसिक्यूटिव ईयर्स ओके सी ऑन द एक्सपायरी ऑफ इस टेन्योर सर्च डायरेक्टर्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट यानी एक बार उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया दैन हम उसको री अपॉइंट नहीं कर सकते लाइक नॉर्मल डायरेक्टर्स में क्या होता था डायरेक्टर रिटायर हो जाता था उसके बाद उसको वापस री अपॉइंट कर सकते थे बट इन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स केस ये ऐसा हम नहीं कर सकते ओके नाव एप्लीकेबलिटी ऑफ सेक्शन वन सिक्सटी फोर ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको डिसक्वालिफिकेशन तो ये सेक्शन किसका है डिसक्वालिफिकेशन का तो इसमें कहा गया है अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इफ ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन वन सिक्सटी फोर ओके यानी सेक्शन वन सिक्सटी फोर इसमें कुछ <coughs> चीज़ें लिखी हुई है जिससे डायरेक्टर जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है फॉर अपॉइंटमेंट ओके तो अगर वो डिसक्वालीफाई हो रहा है अपॉइंटमेंट से अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर दैन ऑल्सो हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते ओके okay? नाउ वेकेशन ऑफ ऑफिस अ पर्सन अपॉइंटेड एज स्मॉल शोल्ड डायरेक्टर शेल वेकेट द ऑफिस इफ अगर उसने डिसक्वालीफाइफिकेशन का कोई चीज़ मीट कर दिया यानी कोई भी जो भी कंडीशंस दे रखी थी डिसक्वालिफिकेशन की अगर उसने डिसक्वालीफिकेशन का कोई रूल इंकर हो गया देन उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस उसी टाइम ओके द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट इन स ऑफ सेक्शन 167 सिक्सटी सेवन ओके सेक्शन वन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी इसको रहने देते हैं नेक्स्ट द डायरेक्टर सीजिस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एज प्रोवाइडेड इन यानी 149 फोर्टी सब सेक्शन सिक्स में जो भी क्राइटेरियाज दे रखे हैं मैंने बताया आपको इंडिपेंडेंट के वो भी अगर वो मीट कर देता है देन ऑल्सो ही इज ही शुड वेकेट हिज ऑफिस ओके तो तीन कंडीशंस में उसका उसके ऑफिस का वेकेशन हो जाएगा लाइक like फर्स्ट अगर उस वो डिसक्वालीफिकेशन का कोई भी क्राइटेरिया मीट कर लेता है सेकेंड वन सिक्सटी सेवन एप्लीकेबल हो जाता है उस पर थर्ड अगर वो इंडिपेंडेंस का कोई भी क्राइटेरिया ब्रेक कर देता है ओके यानी सीज टू मीट द क्राइटेरिया ओके तो तीन केसेस हैं जहाँ पे वेकेशन ऑफ ऑफिस होगा इनमें से दो सेक्शन अभी हमने पढ़े नहीं है ये और ये इसमें भी आई थिंक मैंने इंडिपेंडेंस वाली चीज़ बताई नहीं है तो ये तीनों अभी आप एक बार याद रखना नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा आपको नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर इन मोर देन टू कंपनीज एट द सेम टाइम यानी कोई भी पर्सन अगर किसी फॉर एग्जांपल ए कंपनी में ए कंपनी का नाम है ओके okay? उस कंपनी में अगर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हुआ है तो वो बाकी ऐसा नहीं है कि चार पांच कंपनीज में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए वो सिर्फ दो कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ओके कंपनी ए एंड कंपनी बी ओके ओनली एंड ओनली टू कंपनीज ही कैन अपॉइंट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हाउ एवर द सेकेंड कंपनी इन विच ही इज सो अपॉइंटेड शैल बी शैल नॉट बी इन द बिजनेस विच इज़ गोइंग टू बी कंपीटिंग एंड इन कॉन्फ्लिक्ट इसका क्या मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल जो दो कंपनीज मैंने बताई ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ओके इन दोनों कंपनीज में जो स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर है है ओके okay? अपॉइंट हुआ हुआ है देन ये जो ए लिमिटेड है एंड बी लिमिटेड है ना ये दोनों का जो बिज़नेस है ओके okay? जो कोर बिजनेस होता है वो आपस में कंपीटिंग नहीं होना चाहिए लाइक दोनों एक ही इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स दोनों ही कंपनी क्या कर रही है मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल्स की सो so, ये इस केस में अपॉइंट नहीं हो पाएगा ओके okay? अपॉइंट दो कंपनीज़ में एक साथ होने की क्या कंडीशन है उसको जो दो कंपनीज़ है जो दोनों का बिज़नेस जो है वो अलग अलग होना चाहिए ओके okay? आपस में कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस एंड टी सी एल ओके तो इन दो कंपनीज़ का सेम ही बिज़नेस है लगभग तो इन दो कंपनीज़ में एक साथ वो अपॉइंट नहीं होता हो सकता एज अ स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर बट वो क्या कर सकता है कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंपनी है ए उसमें अपॉइंट हो गया और दूसरी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ओके okay? उसमें अपॉइंट हो गया तो दीज आर नॉट कंपीटिंग बिजनेसेस ओके तो इसमें ऐसे काम कर सकता है वो दोनों कंपनीज में बट वो जो आपस में जो कंपनीज हैं वो उनका बिजनेस कंपीटिंग या फिर इन कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ओके नेक्स्ट इज कूलिंग पीरियड स्मॉल शेडोल डायरेक्टर शेल नॉट बी अपॉइंटेड और बी एसोसिएटेड विद सच कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट्स ऑन विच हि सी इज टू होल्ड ऑफिस यानि आफ्टर तीन साल के लिए अब उसका टेन्यूअर होता है तीन साल के बाद वो क्या है न उस कंपनी में तीन साल तक नेक्स्ट तीन ईयर्स तक अपॉइंट नहीं हो सकता इन एनी अदर कैपेसिटी ओके किसी भी कैपेसिटी में उस कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता कैसे होगा पहले टेन उसका का तीन साल का है ओके वन टू थ्री इयर्स उसके बाद तीन साल का फिर कूलिंग पीरियड यानी उस अगले तीन साल में वो अपॉइंट नहीं होगा इन एनी अदर कैपेसिटी ओके सो सो सिंपल ये सेक्शन था हमारा डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ओके